हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविकांत है और कॉम्पिटिटिव वर्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन का फोर्थ पार्ट और इसमें हम हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे पाई चार्ट के। क्लियर है गाइस? सो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करें, जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुँचते रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट पाई चार्ट। सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है कि हमें ग्राफ गिवन है। सो परसेंटेज ऑफ पीपल इन अ सिटी वर्किंग इन नाइट शिफ्ट फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्री से जो लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये जो पाई चार्ट गिवन है। सो यहाँ पे क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल गिवन है, हमें कितने गिवन है, 40,250, ठीक है। सो 40,250 हमें टोटल लोग गिवन है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे गिवन है कि आईटी सेक्टर में 12% काम कर रहे हैं टोटल, गेमिंग में 18%, कॉल सेंटर में 32%, सेल्स में 8%, बैंकिंग में 14% और केमिकल इंडस्ट्री में 16%। सो आगे जो हमें डाटा गिवन है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ फीमेल्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज वर्किंग इन नाइट शिफ्ट। जो फीमेल्स, ठीक है, जो फीमेल्स नाइट शिफ्ट, ठीक है, काम कर रही हैं वो यहाँ पे गिवन है, इंडस्ट्रीज गिवन है और यहाँ पे फीमेल्स गिवन है। क्लियर है गाइस? सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द मैन टू द वुमेन वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट फ्रॉम द कॉल सेंटर इंडस्ट्री, ठीक है। सो हमने यहाँ पे रेशियो निकालनी है मैन ओवर वुमेन की जो यहाँ पे कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, फीमेल्स हमें गिवन है यहाँ पे, सो नाइट शिफ्ट जो काम कर रही है, सो फीमेल जो यहाँ पे कॉल सेंटर, ठीक है, कॉल सेंटर में काम कर रही है, सो यहाँ पे थर्ड नंबर पे कितना है, 45%। सो यहाँ पे फीमेल्स हमें कितना गिवन है, 45। सो अभी हमने यहाँ पे मैन निकालना है, ठीक है। सो मैन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे सोचो अगर फीमेल्स 45% है तो यहाँ पे मैन कितने होंगे, मैन यहाँ पे 55% होंगे। क्लियर है गाइस? सो 100 माइनस करेंगे सो कितना आ जाएगा, मैन 55%। सो इनको मिनिमाइज करेंगे, 5 के टेबल पे 11 पे जाएगा, 5 के टेबल पे 9 पे जाएगा। सो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगी मैन ओवर वूमेन, ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं नाइट शिफ्ट में कॉल सेंटर में, वो कितनी रेशियो आ जाएगी, 11:9 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 11:9 नहीं है ऑप्शन में, सो ई ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ दिस। क्लियर है गाइस? सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इजी वे में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन नाइट शिफ्ट फ्रॉम ऑल द इंडस्ट्रीज टुगेदर, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एवरेज निकालना है, अप्रोक्सीमेट एवरेज, ठीक है। सो जो फीमेल्स काम कर रही हैं नाइट शिफ्ट में सभी इंडस्ट्रीज से, ठीक है। सो सभी इंडस्ट्री से यहाँ पे देखो कि आईटी में 20% फीमेल्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आईटी में 20% किसका लेंगे हम, 12% का। सो कैसे लेंगे, सो 20% हम लेंगे यहाँ पे किसका, 12% का, ठीक है। सो आईटी में, सो यहाँ पे आईटी सेक्टर में, ठीक है, 20% फीमेल्स हैं और टोटल आईटी सेक्टर में कितने काम कर रहे हैं, 12%। सो ये जो 12% है यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इस सेक्टर का सिर्फ फीमेल का पोर्शन निकालना है ना, कि फीमेल कितने काम कर रहे हैं। सो हम 20% किसका निकालेंगे, 12% का, ठीक है। सो टोटल लोग कितने हैं यहाँ पे, 40,250। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 40,250, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एवरेज निकालना है सभी का, ठीक है। सो सभी का एवरेज निकालना है। सो आगे क्या है, गेमिंग सेक्टर कितना है, 20%, 20 किसका लेंगे हम, 18% का। सो 20/100 मल्टीप्लाई 18/100 मल्टीप्लाई का क्या करेंगे यहाँ पे, 40,250, ठीक है, ये सभी में सेम आएगा। सो जो 40,250 है इसको हम बाहर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियर है गाइस? सो ऐसे ईजी रहेगा। सो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कॉल सेंटर में 45% है और कॉल सेंटर में 32% है। सो कॉल सेंटर में कितना है, 45% मल्टीप्लाई 32%, क्लियर है। प्लस सो आगे कॉल सेंटर का ले लिया, सेल्स का कितना है, 60% और सेल्स का कितना है, 8%। सो सेल्स का कितना है, 60% मल्टीप्लाई 8% प्लस सेल्स के आगे, ठीक है, क्या है यहाँ पे, बैंकिंग 40% और ऊपर 14%।
सो बैंकिंग का कितना है, 40% मल्टीप्लाई 14% आ जाएगा, ठीक है प्लस। सो आगे लास्ट क्या रह गया हमारे पास, केमिकल इंडस्ट्री से कितना है 15% और ऊपर कितना है 16%। सो 15 मल्टीप्लाई 100 16, ठीक है। सो सभी का हमने क्या निकालना है यहाँ पे, एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम, सभी का सम निकाल लिया, डिवाइड किससे करेंगे, टोटल कितने हैं यहाँ पे 6 है, सो 6 से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है गाइस? सो आगे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 240 250 बाई 6, यहाँ पे देखो नीचे 10,000 सभी में से कॉमन आ जाएगा, सो 10,000 आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है मल्टीप्लाई, और सभी को क्या कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, प्लस 18 मल्टीप्लाई 2 360, जीरो लगा देंगे साथ में, और 45 को 32 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1440, ठीक है। सो आप करके देख लेना साइड में। सो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा, ठीक है। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 होता है, सो साथ में जीरो लग जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 प्लस कर देंगे सो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो सभी को अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सो 10,000 मल्टीप्लाई, ठीक है। सो सभी को प्लस करेंगे, यूनिट डिजिट सभी की क्या है, जीरो है यहाँ पे। सो आगे 10 से डिजिट, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 4 यहाँ पे कितना आएगा 22, 22 प्लस 6 28 आ जाएगा, 28 प्लस 4 32 आ जाएगा, 2 3 कैरी चला जाएगा, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 यहाँ पे 14, 14 18 आ जाएगा, 18 3 21 आ जाएगा, 21 2 23, 3 आ जाएगा 2 कैरी, सो यहाँ पे 3 यहाँ पे बच गया, सो ये आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो 0 से 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। सो 25 के टेबल पे 100 कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 25 के टेबल पे ये 1 पे जाएगा, फिर 156 पे जाएगा, फिर 25 1 पे चला जाएगा। क्लियर है? सो आगे हम, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, सो ये 2 के टेबल पे चला जाएगा 3 पे, और ये 2 के टेबल पे चला जाएगा 16 6 पे चला जाएगा, ठीक है। अगेन ये 2 के टेबल पे चला जाएगा और ये 2 के टेबल पे 8 3 पे चला जाएगा। क्लियर है? सो कितना आ रहा है 161, नीचे के ऊपर 83 और नीचे कितना आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 के टेबल पे ये नियरली अबाउट कैंसिल कर देते हैं, 2 पे चला जाएगा, सो 23, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 24 लिख लेते हैं। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे ये 1 पे जाएगा, ठीक है। सो आगे कितने पे 4 पे जाएगा, सो 14, आगे हम 14, ठीक है 161 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लिखा होता है, सो हम यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे। सो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 4 24 प्लस 1 25, 2 कैरी चला जाएगा, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, 1 चला जाएगा 1 प्लस 1 2, ठीक है। सो कितना आ जाएगा 2254, सो इससे थोड़ा सा क्या आएगा आंसर, नियरली अबाउट। सो ठीक है, ये एक्चुअली में आई होप आप लोगों को ट्रिक पता होगा कैलकुलेशन की, अदरवाइज आप वैदिक मैथ के जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं अगर आप लोगों को कैलकुलेशन फास्ट करनी है। सो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2254, सो नियरली अबाउट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन कोई है, सो ए ऑप्शन आ रहा है, सो यही हमारा क्या आ जाएगा गाइस, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटेड पार्ट होगा लेकिन वो बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो ये जल्द से जल्द सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन नाइट शिफ्ट फ्रॉम ऑल द इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन में हमने एवरेज निकाला था, लेकिन यहाँ पे एवरेज नहीं निकालना, लास्ट क्वेश्चन में हमने वुमेन का निकाला था, ठीक है, क्या कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, नाइट शिफ्ट में। सो यहाँ पे हमने मैन का निकालना है, ठीक है। सो मैन का कैसे निकालेंगे, सो यहाँ पे देखो आईटी डिपार्टमेंट में फीमेल्स कितने काम कर रहे हैं 20%, सो मैन कितना काम करेंगे यहाँ पे 80%, ठीक है। सो यहाँ पे 80% निकाल लेंगे हम 12% का जो आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं।
यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 80% किसका, 12% का ऑफ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, टोटल कितने है यहाँ पे, 40,250। ठीक है, ये सभी में से कॉमन आ जाएगा, इसको पहली बार लिख लेना आप। ठीक है, सो आगे हमने किसका निकालना है, गेमिंग का, गेमिंग का कितना है, 20% फीमेल्स हैं, सो यहाँ पे मैन कितना आ जाएगा, 80% किसका, 18 का। सो 80% यहाँ पे हमने किसका निकालना है, 18 का। क्लियर है गाइस? सो इस क्वेश्चन को एज ए सॉल्व करेंगे हम। आई होप आप लोगों को ये जो जो इसका हिंट है वो आप लोगों को पता चला होगा। ठीक है, सो आप लोगों ने ये जो पार्ट है खुद सॉल्व करना है, और जो इसका आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। क्लियर है गाइस? सो बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेटेड पार्ट है, और इससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप इसको सॉल्व करते हैं। सो आप लोगों ने इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अभी हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन अ नाइट शिफ्ट फ्रॉम द गेमिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इज व्हाट परसेंट। सो हमने यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। सो वुमेन्स जो नाइट शिफ्ट में गेमिंग इंडस्ट्री में काम करने हैं, ये निकालना है। ठीक है, वुमेन्स, सो वुमेन गेमिंग इंडस्ट्री में कितना, 20% है, और कितना है, 18% है। ठीक है, सो हम यहाँ पे 20% निकालेंगे किसका, 18% का। यहाँ पे टोटल पीपल, ठीक है, लोग इतने हैं 40,250। ठीक है, सो ये क्या आ गया हमारा, वुमेन का नाइट शिफ्ट का, ठीक है, जो गेमिंग इंडस्ट्री में कर रहा है, इज व्हाट परसेंट। सो यहाँ पे क्या है, व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट फ्रॉम ऑल द इंडस्ट्रीज टुगेदर। सो नीचे हमने क्या रखना है यहाँ पे, टोटल, ठीक है ना, वहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल नाइट शिफ्ट में कितने काम कर रहे हैं, 40,250। ठीक है, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। सो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। सो दिस वन कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 20 से 100 5 पे चला जाएगा, और 5 पे 18 कितने पे जाएगा, यहाँ पे 3.6। सो यहाँ पे हमारी परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 3.6%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो गाइज, जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में, तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, जब तक यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं तो आप कैंसिल करते रहो, इससे जो आपकी कैलकुलेशन फास्ट तो होगी ही होगी, जो आपका एग्जाम है वो भी कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो नियरली अबाउट जो आपने टारगेट लेके चलना है, सो 50 मिनट्स में, अगर 1 आवर का पेपर है तो आप लोगों ने 50 मिनट में क्वेश्चन जो पेपर है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है गाइस? सो ये टाइमिंग मैं लेके चलता हूँ स्टूडेंट के, कि 50 मिनट में कवर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मैन एंड टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट फ्रॉम ऑल द इंडस्ट्रीज टुगेदर। ठीक है, सो हमने यहाँ पे डिफरेंस निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स कितने हैं। सो इसका हमने डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सो जैसा कि हमने नंबर ऑफ वुमेन्स जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फोर्थ मैंने कहा था, सॉरी थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कहा था कि आप लोगों ने नंबर ऑफ मैन यहाँ पे फाइंड आउट करने और कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, सो यहाँ से जो आपके नंबर ऑफ मैंस आएंगे, ठीक है, जितने भी आएंगे, ठीक है, उसको यहाँ पे आप लोगों ने नंबर ऑफ वुमेन्स यहाँ से निकाल लेंगे, टोटल कितने हैं, 40,250। और यहाँ से जो नंबर ऑफ मैन आप निकालोगे, ठीक है, यहाँ पे पुट करके माइनस कर देना, सो नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, वुमेन्स आ जाएगा इससे आपका। क्लियर है गाइस? सो नंबर ऑफ वुमेन्स आ जाएगा, और नंबर ऑफ मैन आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो आप लोगों ने नंबर ऑफ मैन माइनस नंबर ऑफ वुमेन का डिफरेंस पता करना है। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा सो आप यहाँ पे टिक कर देना। सो आप ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना आएगा। क्लियर है गाइस? सो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट इस पार्ट में क्या है कि कैलकुलेशन ही हमने थोड़ी बहुत सॉल्व करनी है। ठीक है, सो अपनी कैलकुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो अगर आप क्वेश्चन को, पेपर को 50 मिनट में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जो यहाँ पे मैं टारगेट लेके चलूँगा अपने सभी स्टूडेंट्स का। क्लियर है गाइस? सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सॉल्व करेंगे।
सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, या आपको कोई भी डाउट्स हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्लियर है गाइस? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।